फाइनली पहुंच चुके हल्द्वानी अपनी सोसाइटी में। और ये देखो भाई अभी तक सो रहे हैं सभी के सभी, आते आते फिर सो गए। नींद पूरी नहीं हुई है, 4 घंटे सो रखे, 4 घंटे मम्मी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस सुबह के बज रहे हैं 4:30, फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज हम जा रहे हैं वापस घर। अब फिलहाल दिल्ली है ना, तो चलो उठते हैं और निकलते हैं सीधा। पीछे उठ जा कुनाली, कुनाली उठो, सामान भी पैक करना है। तो भी गाइस रेडी है जाने के लिए, लेकिन कुनाली नहीं उठा अभी तक। तो भी गाइस गाड़ी में बैठ के दिल्ली से निकल गए और टाइम देखो भाई 5 भी नहीं बजे। गाइस सभी सो चुके हैं, अकेले मैं ही जाग रहा हूँ, मुझे जागना पड़ेगा ना, अभी को वैसे नींद भी नहीं आ रही। अभी 4 घंटे और लगेंगे गाइस, अभी 200 किलोमीटर बाकी है, 4 घंटे बाकी है अभी। तो भाई सुबह सुबह ड्राइव करने में मजा आ रहा है, खाली रोड है ना, तो फिलहाल डीजल भरवाते हैं। गाइस देख कुनाली कैसे सो रहा है भाई, कुनाली मस्त हो रहा है अपना गोद में। गाइस 100 किलोमीटर रह गया बस, 2 घंटा। फाइनली पहुंच चुके हल्द्वानी अपनी सोसाइटी में। और ये देखो भाई अभी तक सो रहे हैं सभी के सभी, ये देखो भाई उठो उठो उठो। 4 घंटे लगे पहुंचने में और 4 घंटे में मस्त 2 घंटे भजन, 2 घंटे मैंने भजन सुने, 2 घंटे गाने वाने सुने मस्त। उठो उठो कुनाली उठो, सोए दिल्ली में उठे हल्द्वानी में, इनका सही है भाई। और मेरे को तो नींद भी नहीं आ रही, अब मैं तो जाके नहाऊंगा मस्त अपना। हमने घर पे बताया नहीं हमारे हैं भाई, मैंने गाड़ी कहीं पे नहीं रोकी, 4 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव करा था मैं। ओलू सर आ गए हैं। पापा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। सरप्राइज ना, हमने सरप्राइज होगा, सरप्राइज सरप्राइज। पापा प्रणाम। मेरा बच्चा है। आते फिर सो गए, नींद पूरी नहीं हुई है, 4 घंटे सो रखे, 4 घंटे मम्मी, 4 घंटे गाड़ी में सोए थे। भाई कितना सोओगे, कितना सोओगे भाई? प्रणाम करना ना कुछ गंदू, सोए सोए में प्रणाम कर रहे हैं। चलो गुड नाइट। 5 बजे निकले, 5 बजे। मैंने कहा नहीं सरप्राइज देगा, कहा नहीं, मैंने कह दिया था मम्मी को आज पहुंचने वाले हैं। कहीं सोए? तो भी गाइस घर तो पहुंच गए, अब मेरे को जाना हॉस्पिटल मामी को लेके, मामी मम्मी और पापा, मामी का ऑपरेशन है आज पैर का, तो इसे जल्दी से मैं जल्दी से नहाता हूँ और फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस आज है नवमी, आज हमारे घर में कन्या पूजन होगा और ये हमारी जोत जो कि पूरे 9 दिनों से चल रही है। तो हाँ जय माता रानी, सबको सुखी रखना। ये प्लेट आप इसको ना लेके जाओ, अब चलते हैं हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में ही रहोगे? हाँ, अब हॉस्पिटल रहूंगी भी थोड़ी देर तो रहूंगी। तो गाइस हॉस्पिटल पहुंच गए, चलो ठीक है मम्मी मैं चलता हूँ, ठीक है मामी बाय। एक्चुअली मामी के ना पैर की नस कट गई है, पहाड़ों में रहते हैं ना, तो पहाड़ों में वहाँ पे कुछ तीन वगैरह से पैर की नस कट गई है, तो वो आज ऑपरेशन होगा, उसकी नस ठीक करनी है। गाइज मुझे ना आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलना है, बिकॉज आप लोग की वजह से मैं अपने रिलेटिव्स की भी हेल्प कर पा रहा हूँ। अगर यूट्यूब नहीं होता तो पता नहीं क्या ही करते हम, कहीं से पैसे मांग मांग के। मम्मी का भी ऑपरेशन करवाया था हमने, फिर हमने दादाजी का भी करवाया था, अब मामी का भी। इवन पूरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रही है। पीयूष कुनाली की स्कूलिंग, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम, गाड़ी चला पा रहे हैं हम, घूम पा रहे हैं हम, ट्रैवल कर पा रहे हैं, फैमिली के साथ में अच्छे से रह पा रहे हैं। तो हाँ वो माइंड में रहता है हमेशा भाई, क्योंकि पता है पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ, तो वो सिर्फ आप लोग की वजह से, तो वो माइंड में हमेशा रहता ही है और वो रहेगा हमेशा। और गाइस पता है एक टाइम पे मेरे पास कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, बिकॉज कॉलेज में फीस थी अराउंड 3 लाख रुपए साल की फीस थी, और मेरे कॉलेज मिल रहा था अच्छा वाला, थोड़ा प्राइवेट था लेकिन वो अच्छा कॉलेज था। तो पापा जी कहा इतनी फीस है नहीं, तो मैं लोन भी लेने वाला था, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, पैसे थे नहीं, तो फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं, फिर मैंने ओपन से कर लिया था। गाइस आप लोगों से बातें करते करते मैं घर पहुंच चुका हूँ सोसाइटी में। सॉरी गाइस मैं ज़्यादा पका दिया आपको, लेकिन जो दिल में था वो मैंने बोल दिया। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं यार, मैं आपको बोलता नहीं हूँ, बट ऐसा लगता है ना फिर ये मैंने ये किया, मैंने वो किया किसी के लिए, तो वो अजीब लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो अभी गया था हॉस्पिटल मैंने, इसलिए बता दिया आपको। अब फिलहाल मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, खीर छोले पूरी। तो गाइस अपना प्रसाद आ चुका है, और गाइस कल ना पीयूष का बर्थडे है, तो उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बिकॉज लास्ट टाइम हम गए थे रिजॉर्ट में, पूल पार्टी की थी, और रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं हम, घर में भी सेलिब्रेशन करते रहते हैं, तो क्या क्या अलग कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कल पीयूष का बर्थडे है ना, शायद ऐसे ही जाएगा आपकी बार। क्या प्लान है आप, क्या सोचा आपने, कुछ सोचा है? तेरे आपकी और बर्थडे पे क्या चाहिए, क्या चाहिए आपके बर्थडे पे? गिफ्ट। फोन मत मांगिए, फोन नहीं मिलेगा। गाइस पीयूष को भी फोन तो दूंगा नहीं मैं, आईपैड दे रखा है लेकिन फोन नहीं दूंगा इसको मैं। आईपैड में भी आईडी नहीं है तो कुछ डाउनलोड नहीं कर सकता। ये क्या चाहिए? ये
ये क्या है? देख लो। चल ठीक है, डन है, यही दिला अंदर को। डन हो गया। चलो जब आएगा ना तब अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा क्या मांग रहे हैं। फोन नहीं है और ना ही फोन जैसी कोई चीज है, कुछ और ही है। चल जब आएगा तब दिखाएंगे फिर उसका बर्थडे गिफ्ट। तब गाइस चलते हैं हॉस्पिटल, मामी का ऑपरेशन हो चुका है तो मामी को लेके आते हैं, मम्मी वापस सब आ जाएंगे। तो भी गाइस हमारे हॉस्पिटल से मामी को लेके आ चुके हैं। सामने इनोवा जा रही है ना, उसमें मामी सेल चला रहे हैं। अरे ये भी दे दिया, लाया हूँ मैं, वो थोड़ी देते हैं। अच्छा डॉक्टर ने दिया है, खरीदा है? नहीं खरीदा, लाया। ओल साइड अंदर बाहर नहीं। अरे हाथ में प्लास्टर है, पैर में भी जोर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये शाबाश। तो गाइस फाइनली मामी जी आ चुके हैं, ऑपरेशन हो चुका है। एक्चुअली सीन ऐसा है, मामी रहती है गांव में, तो गांव में तीन से पैर में लग गई थी, ठीक है। तो उसके बाद गांव के हॉस्पिटल में गए तो वहां पर उन्होंने सिल दिया, बस सिल के ऐसे ही भेज दिया। और आज 12 दिन हो गए ना, 12 दिन के बाद ऑपरेशन हो रहा है, वो भी हल्द्वानी आके देख लो, क्योंकि पहाड़ों में ना मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है नहीं, तो उनको पता नहीं, उन्होंने बस सिल के ऐसे ही भेज दिया। फिर जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तब यहाँ पे आके चला पता कि हाँ नस कटी हुई है और 5 नस, फिर वो नस जोड़ी ऑपरेशन करके, तो हाँ अब सही है। देख लो पहाड़ों में ना, ये पहाड़ों में ये दिक्कत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की थोड़ी। तो मम्मी पापा ने मामी को यहीं बुला लिया, बस सही हो गया, अब ठीक हो जाएगा ये। और हाँ सबसे बढ़िया बात है कि हड्डी कुछ नहीं हुआ, हड्डी सही है। दूसरी खुशखबरी मम्मी के लिए वो लाया हूँ पट्टा। क्या पट्टा? ये वाला पट्टा, ये वाला पट्टा दे। तो लगाती तो है नहीं, मम्मी को जूते लाके दे, मम्मी जूते भी डालती ना। अब ये लगाना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं होएगा। बेटा यहाँ दो जा रही मेरी दिक्कत ना, बाल खींचना मुझे जल्दी। कहाँ दर्द का है? दर्द तो सही है, तो हाथ में टाइट तो नहीं हो रहा है? अरे टाइट हो रहा है, अबे यार ये तो मैंने मूवीज में देखा था। हाँ तो बेटा ये इससे ना गर्दन नहीं लेके, तो ये जो नसें है ना ये सही हो जाएगी। वो कह रहे हैं इसी को डाल के आपका हाथ ठीक होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। और जो है मालिश के लिए दवाई दी है, पेन के लिए दवाई दी है, लगातार इसको डालोगे तुम एकदम ओके, कोई बीमारी नहीं है। ये इनकी नस जो है दबी हुई है, थोड़ी देर दार के देख, दर्द ठीक होती है। नहीं डालोगे तो लाएगी फिर? मेरे को दिक्कत हो रही है, एक दिन में एक घंटा भी डाल लिया ना, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इसकी बिना रह नहीं पाएंगे। हंसो मत, सही चीज है वो, फायदा होगा। शाम हो चुके हैं, अब चलते घूमने के लिए कहीं। कुराले बहन छोटे क्यों? मैं कम खाता हूँ। बड़े आदमी तो गई, अभी हम आए गोलगप्पे खाने के लिए। तो गई हमारे गोलगप्पे आ चुके हैं, मीठा पानी खट्टा पानी। चलो भाई गोलगप्पा फिनिश। घर तो पहुंच गए, घर में आवाज आ रही है, घर में भजन चल रहे हैं। ठीक, क्या बनाया आज? आलू पेठा रोटी। तो गाइस डिनर हो चुका है, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ। और कल भी उसका बर्थडे, और हमारा कुछ भी प्लान नहीं है भाई, रात को सरप्राइज का प्लान भी नहीं है, बिकॉज सबको क्रेजी नहीं रहा बर्थडे वाला, ना मुझे ना पीयूष को ना साहिल को, सिर्फ कुनाली हुआ छोटा ना, इसलिए तो सिर्फ एक केक काट लें, घर में सेलिब्रेट कर लें, कहीं जाने का प्लान नहीं है। तो हाँ चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देख रहे हैं, लोग सब कहेंगे फिर क्या हुआ। मम्मी दिखाना इधर देखना, मम्मी देखना एक बार, ये देखना।